Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी का कुछ हिस्सा और अवशेष मिले थे, जिसके बाद द्वारका के वैभव और समृद्धि को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह नगरी समुद्र में डूब ही कैसे सकती है, जिसे खुद भगवान ने बसाया हो। आइए आज इसी बारे में जानते हैं। प्राप्त तथ्यों और जानकारी के आधार पर महाभारत युद्ध के 50 साल भी पूरे नहीं होते और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वीलोक को छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश क्यों खत्म हो गया, यह सवाल मन में जरूर उठेगा। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी सपुत्र मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थी। एक माँ के दर्द आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को शाप दिया कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चल पाएगा। मैं शाप देती हूँ कि पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा, कृष्ण तुम्हारा वंश भी मेरे वंश की तरह खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द की चित्कार से पूरा महल गूंज रहा था और कृष्ण शांत भाव से गांधारी के समीप खड़े हुए थे। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को शाप दिए जाने के चौथे दशक में द्वारका में लगातार अपशकुन होने लगे। तेज आंधियां, प्राकृतिक आपदाएं रोजमर्रा की बातें बन गईं। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र, अन्य कई महर्षियों के साथ द्वारका आए। इन सिद्ध मुनियों को एक साथ देखकर द्वारका के कुछ युवकों ने इनसे मजाक करने का विचार आया। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे साम को गर्भवती स्त्री के वेश में तैयार कर मुनियों से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा उपहास देखकर मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र साम के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के काल का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मुनि की वाणी कभी झुठलाई नहीं जा सकती, ऐसा होगा। फिर ऐसा हुआ भी। जब मूसल के बारे में राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने इस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। 3/4 तीरथ पर लड़ मरे सभी यदुवंशी, परंतु ऋषिवाणी खाली कैसे जाती। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीरथ पर भेजा और वहां वे आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे पर वार करने के लिए वह जो भी पेड़ पौधा या घास उखाड़ते, ऋषि शाप से वह मूसल में बदल जाती, ऐसा मूसल जिसके एक वार से प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता लगी है तो वह वहां पहुंचे। संहार का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक कहते कि आप हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उधर बलराम जी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर द्वारका चले आते हैं और अपने पिता वासुदेव जी को यदुवंशियों के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव बहुत दुखी होते हैं और कृष्ण वापस घटनास्थल पर आते हैं। वैकुंठ धाम लौट गए श्री कृष्ण। वह देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन है। तभी सहस्र मुखों वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि वैसा ही समय बना है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। यह विचार करते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहां एक शिकार दूर से उनके पैर को देखकर हिरण का मुख समझता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण वैकुंठलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं। अर्जुन के आने के कुछ समय बाद वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। उन सभी अंतिम संस्कार कर बाकी बची स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन अपने साथ द्वारका ले जाते हैं। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा जाती है।